शहर में दवा की दुकानों की आड़ में नशे का कारोबार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है शहर के दक्षिणी क्षेत्र में तेजतर्रार एसपी दक्षिण दीपक भूकर के नेतृत्व में नौबस्ता पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वही भारी मात्रा में नशे के इंजेक्शन व दवाएं बरामद कर 4 आरोपियों को जेल भेज दिया, तो वहीं 2 आरोपी भागने में कामयाब रहे। एसपी दक्षिण ने बताया कि दक्षिण कानपुर में नशे को बढ़ाने व अच्छी रकम के लिए दवा दुकानदार अब दवा खाने की आड़ में नशे का कारोबार करने लगे हैं। बताया कि भागा हुआ मुख्य आरोपी गुड्डू कानपुर सहित अन्य जनपदों में नशे में उपयोग होने वाले इंजेक्शन व कई कंपनियों की दवाओं को सप्लाई करने का काम करता है। वहीं पुलिस ने बताया कि 4 अभियुक्त शैलेंद्र वानी, कृष्ण कुमार, हिमांशु सिंह व कमल किशोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं 2 आरोपी सुनील कश्यप व गुड्डू अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। आरोपियों ने बताया कि अच्छी रकम के लिए ये सभी नशे का कारोबार कर रहे थे। वहीं भागे हुए आरोपियों के लिए पुलिस दबिश दे रही है। ये थाना नौबस्ता टीम के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें जो दवाइयाँ होती है शेड्यूल ड्रग्स बोला जाता है, जिनको नशे के लिए यूज किया जाता था, उनको डिफरेंट जो ड्रग रिटेल स्टोर होते थे वहाँ पे लोगों को बेचा जाता था। उनका मॉडल ऑफ ऑपरेंडी ये होता था, क्योंकि शेड्यूल ड्रग्स जो होती हैं उसके लिए पहले तो प्रॉपर लाइसेंस चाहिए होता है, दूसरा लाइसेंस के बाद उसमें डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन की चाहिए होता है और उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। दोनों मेडिकल स्टोर जिनको अरेस्ट किया गया है, जिन दो लोगों को, उनके पास ना तो लाइसेंस था और ना ही वो कोई रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे थे। वो जो डिफरेंट सप्लायर थे उनके कॉन्टैक्ट में रहते थे, नशीले इंजेक्शन और दवाइयाँ जैसे एल्प्राजोलम हो गया, एल्फ्रेक्स हो गई, और इंजेक्शन में मॉर्फिन वाला इंजेक्शन, ये सारे मंगवाते थे और लोगों को पैकेट बनाते 120 रुपये में बेचते थे। इनकी कॉस्ट प्रति दिन वो 30 से 40 रुपये और बेचते थे उसको 120 से 150 रुपये। आरोपी गिरफ्तार किए गए, इसमें अभी हमने 4 अभियुक्तों को अरेस्ट किया है। 2 अभियुक्त सुनील और गुड्डू वो फरार हैं। गुड्डू जो है उसके पास वो एक गोडाउन थी, थाना थाने में उसका एक गोडाउन भी मिला जिसमें बहुत सारी नशीली दवाइयाँ लार्ज अमाउंट में हमने सीज की है, उसमें भी ये सारे नशीले इंजेक्शन और दवाइयाँ थी। उसके पास ना तो कोई लाइसेंस है और ना ही उसने कोई प्रायर कोई परमिशन लिया। ये दवाइयाँ कहाँ से इंसाइड होती, कहाँ से लाती थी, उनकी बढ़िया हो जाती थी उनको नशे पा जाएगी। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये शेड्यूल एच ड्रग्स होती है और इसके लिए